दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लर्निंग सीरीज। तो दोस्तों बेसिकली लर्निंग सीरीज बहुत सारे हैं, उन तमाम लर्निंग सीरीज को हम चार ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले है बिहेवियरिज्म, दूसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म, तीसरा है गेस्टाल्ट और चौथा है ऑब्जर्वेशनल थीरीज। इस तरह से इन चारों ग्रुपों में हम जितने भी लर्निंग थीरीज हैं उसको हम तकसीम कर सकते हैं ताकि हमारे एग्जाम के लिए ना हो या फिर उन लर्निंग थीरीज को समझने के लिए ये आसानी मदद हो सकता है। तो सबसे पहले है बिहेवियरिज्म, इसके ताल्लुक रखने वाले जो थीरीज हैं वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थीरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थीरी, उसके बाद ट्रायल एंड एरर थीरी, ये तमाम बिहेवियरिज्म से ताल्लुक है। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड जो थीरीज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थीरी, सोशल डेवलपमेंट थीरी। उसके बाद गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट से ताल्लुक रखने वाले हैं इंसाइटफुल लर्निंग थीरी। उसके बाद आता है पॉपका की लर्निंग थीरी। उसके बाद ऑब्जर्वेशनल से ताल्लुक रखता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थीरी। तो तमाम जो भी थीरीज हैं दोस्तों ये थीरीज बहुत अहम है एजुकेशन के अंदर या फिर लर्निंग थीरीज के जो टीचर्स के लिए हो या फिर बच्चों के स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए टीचर्स को बहुत यूजफुल होते हैं। तो ये लर्निंग जो भी थीरीज है उसके अंदर एक थीरी है मशहूर थीरी, वो है यूनिवर्सिटी में विलियम जेम्स की जैर सदारत में होते हुए ही मुर्गी के बच्चों पर और मुर्गी के चूजों पर और उसी तरह बिल्ली के बच्चों पर इसने अपने तजुर्बा अंजाम दिया और इसने एक मशहूर किताब भी लिखी जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, एनिमल इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। जो इस किताब के अंदर इसने अपने जितने भी तजुर्बा किया था उन तमाम तजुर्बा को उस किताब के अंदर दर्ज किया और जितने भी उसके तजुर्बा थे उस किताब के अंदर उसमें सबसे ज्यादा मकबूल और ज्यादा मशहूर हुए थे वो थे बिल्ली पर किए गए तजुर्बा। हाँ दोस्तों एडवर्ड लियर फारंडेक ने अपना जो तजुर्बा पेश किया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी से बयान करने के लिए वो तजुर्बा उसने एक बिल्ली पर किया था जिसकी बुनियाद पर उसने अपना ट्रायल एंड एरर थ्योरी को बयान किया। तो वो एडवर्ड लियर फारंडेक का बयान करता जो तजुर्बा है वो तजुर्बे को एक मरतबा हम पढ़ेंगे ताकि हमको समझने के लिए आसानी हो इसने किस तरह ये थ्योरी बयान की और इस थ्योरी के उसूल क्या है और इस थ्योरी के कानून क्या है और इसी तरह से इसने इतनी मकबूलियत हासिल की है एजुकेशन के अंदर अपनी थ्योरी के जरिए से तो किस लिए इसने इतना मकबूलियत हासिल किया है वो तमाम मालूम करने के लिए हमको इसने जो तजुर्बा किया है वो एक मरतबा जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्तसाबी तजुर्बा जो एडवर्ड लियर फारंडेक ने बयान किया था। तो दोस्तों हम पहले ही बता दिए गए एक्तसाबी तजुर्बा जो था इसने एक बिल्ली पर किया था उसको इस तरह अंजाम दिया कि सबसे पहले इसने एक पजल बॉक्स तैयार किया। उस पजल बॉक्स को इस तरह तैयार किया था कि उसके अंदर एक ऐसा लॉक होता है जिसको उस पजल बॉक्स के अंदर मौजूद बटन दबाने पर खुल सकता है मगर जब उसने उस बिल्ली को उस पजल बॉक्स में डाल देता है और उसके उस बिल्ली के आगे एक मछली का टुकड़ा डाल देता है और वो मछली को पाने के लिए बिल्ली ने कई मरतबा हरकत करती है कई मरतबा उसके पीछे क्या है कोशिश करती है मगर वो उसको पा नहीं पाती। इसी तरह मुसलसल कोशिश करती ही रहती है क्योंकि वो बिल्ली ऑलरेडी भूखी होती है तो इसलिए वो कई मरतबा उसके पीछे कोशिश करती है। कोशिश करने के बाद आखिरकार अचानक उस बिल्ली का पैर उस बटन पर लग जाता है जिसकी बुनियाद पर वो बॉक्स खुल जाता है। अभी बुनियाद पर बिल्ली बाहर आती है और मछली खाती है और चली जाती है और इसके बाद एडवर्ड लियर फारंडेक ने जो भी तजुर्बा किया था उसको दूर से देखकर गौर कर रहा था। उसके बाद इसी तरह का तजुर्बा और एक मरतबा दोहराता है। इस मरतबा बिल्ली फिर भूख लगने पर उस मछली को पाने के लिए कई मरतबा कोशिश करना शुरू कर देती है और अपने कोशिशों के बाद उस बटन के ऊपर फिर उसका पैर लग जाता है और उस मछली को खा लेती है।
तो एडवर्ड डिले गार्डनर ने तमाम जो भी तजुर्बात कर रहा था उन तजुर्बात को हर पॉइंट पे नोट कर रहा था, यानी कि तजुर्बे के दौरान जो बिल्ली वक्त लगा रही है इस मछली को पाने के लिए उस वक्त को नोट करता है, और इसके साथ साथ बिल्ली जो कोशिशें करती है उन कोशिशों को भी इसने नोट करता है। और जब पहली मर्तबा इसने बिल्ली का जो तजुर्बा किया था उसका उसके डायरी में ये नोट करता है कि बिल्ली ने कई मर्तबा उसको पाने की कोशिश की, मगर दूसरी मर्तबा जब वो बिल्ली जब कोशिश करती है उस मछली के टुकड़े को पाने के लिए पहली मर्तबा से इस मर्तबा थोड़ी कम कोशिश करती है और उस मछली के टुकड़े को पा लेती है। इस तरह इसी तरह का अमल इसने कई मर्तबा दोहराता है, आखिरकार बिल्ली इसके काबिल हो जाती है कि बगैर किसी गैर या फिर गलत हरकतों के बजाय या फिर गलत कोशिशों के बजाय सिर्फ बटन दबाकर वो मछली को पा लेती है या फिर उस मछली को खाने के काबिल बन जाती है। इस तरह से बिल्ली ये सीख लेती है इस तजुर्बे के जरिए से कि जितने भी मैं कोशिशें कर रही थी इससे पहले वो तमाम गलत थे, सिर्फ मुझे ये मछली का टुकड़ा पाने के लिए यहाँ पर जो डोर है इस डोर को खोलना है, उस डोर को खोलने के लिए जो ताल्लुक है वो है बटन, इस बटन को अगर दबाऊं तो ये डोर खुल सकता है और मछली पा सकता हूँ। इस तरह का जो बिल्ली ने सीख लिया कि बटन को दबाने पर मुझे गिजा मिल रही है या फिर बटन दबाने पर ये डोर खुल रहा है, इस बात को उस बिल्ली ने सीख लेता है। और फारेनहाइट ने तमाम अपने डायरी के अंदर जितने भी मर्तबा उसने तजुर्बा किया वो तमाम को नोट करता है। तो उसने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अपने डायरी के अंदर ये नोट करता है कि बिल्ली ने जैसे जैसे उसने मुसलसल उसके ऊपर तजुर्बा या फिर मुसलसल उसके ऊपर अपने कोशिशें करती है, जैसे जैसे पहली मर्तबा से दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा चौथी मर्तबा इस तरह से हर मर्तबा जब ये कोशिश करती है तो हर मर्तबा कोशिशों की तादाद घट जाती है, यानी कि पहली मर्तबा अगर उसको 50 मर्तबा कोशिश करना पड़ा तो दूसरी मर्तबा जब तजुर्बा किया गया वो 45 मर्तबा ही कोशिश की, और तीसरी मर्तबा जब कोशिश किया उस बिल्ली ने उस मछली को पाने के लिए वो सिर्फ 40 मर्तबा या फिर 35 मर्तबा ही वो कोशिश करने के बाद हाँ उसको वो गिजा मिल गई। इस तरह से जैसे जैसे वो कोशिश बढ़ाती गई, जैसे जैसे वो क्या है तजुर्बा कई मर्तबा दोहराता गया वो उतनी ही मर्तबा उसकी कोशिशों की तादाद घटती हुई गई, और आखिरकार सिर्फ एक ही अटेम्प्ट के अंदर यानी एक ही अटेम्प्ट के अंदर वो उस बटन को दबाती है और गिदा खा लेती है। इस तरह से एडवर्ड रियल फारेनहाइट ने अपने तजुर्बे के अंदर नोट किया। उसके बाद उसने जब फिर उसी तजुर्बे के जरिए से और एक पॉइंट नोट किया कि पहली मर्तबा जब तजुर्बा किया गया था उसके लिए कम अज कम कई घंटे लग गए या फिर 5 घंटे अगर मिसाल ले लेंगे तो 5 घंटे लग गए, दूसरी मर्तबा जब कोशिश किया गया तो वो सिर्फ 4.5 घंटों में ही अपना गिजा हासिल कर ली। इसी तरह से तीसरी मर्तबा और थोड़ा कम वक्त हो गया, इसी तरह से धीरे 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 वो एक ही मिनट में अपनी गिजा को हासिल करने के काबिल बन गई। इस तरह से एडवर्ड लियो फारेनहाइट अपने इस ट्रायल एंड एरर थ्योरी के जरिए से बताता है कि जैसे जैसे एहतसाब मुसलसल तौर पर दोहराया जाता है वैसे ही उस एहतसाब के अंदर माहिर बन सकते हैं, या फिर जितने मर्तबा कोशिश की जाती है उतनी ही मर्तबा गलतियों की जो तादाद है वो घट सकती है, और सही इल्म क्या है या फिर सही क्या है अमल क्या करना चाहिए वो सीखने के लिए पहले गलतियों का करना जरूरी है, वो गलतियों करते करते धीरे धीरे हम सही अमल करने के काबिल हो जाते हैं और गलतियों की तादाद हम छोड़ सकते हैं। उसी के बाद इसने इस एहतसाब के जरिए से यह बताना चाहता है कि जितने मर्तबा हमारे तो दोस्तों एडवर्ड लियो फारेनहाइट ने अपने इस बिल्ली के तजुर्बे के जरिए से अपने एहतसाबी तजुर्बे के जरिए से इसने एहतसाब के अंदर या फिर लर्निंग के एजुकेशन के अंदर चंद कवानीन बयान किए जिसको हम कहते हैं लर्निंग लॉस, इसको उर्दू में कह सकते हैं एहतसाबी कवानीन। दोस्तों ये लर्निंग लॉस एहतसाबी कवानीन एजुकेशन के अंदर बहुत अहमियत रखते हैं, और इसी की बुनियाद पर एडवर्ड लियो फारेनहाइट बहुत मशहूर हुआ या फिर उसकी थ्योरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी बहुत मशहूर हुई, मकबूलियत हासिल कर पाई। तो लर्निंग लॉस क्या क्या है, सबसे पहले था रेडीनेस
लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा था लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, तीसरा जो लॉ था वो लॉ था लॉ ऑफ इफेक्ट। तो दोस्तों लॉ ऑफ रेडीनेस जिसको हम उर्दू में अगर कहना चाहें तो जिसको हम कहते हैं कानून आमदगी, और लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको हम उर्दू में कहना चाहें तो कानून है मस्ट। अगर हम लॉ ऑफ इफेक्ट कहना चाहें तो उर्दू में इसको हम कह सकते हैं कानून है, कानून तासीर। इस तरह से इसने तीन कानून बयान किए एजुकेशन के अंदर, इन्हीं कानून की बुनियाद पर आज एजुकेशन के सिस्टम के अंदर बहुत सारे चीजों को हम बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसा कि पहाड़े सिखाना है तो बच्चे को हम इस कानून के जरिए से या फिर इस थ्योरी के जरिए से हम आसानी के साथ पहाड़ों को बच्चों को या फिर टेबल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेबल, जिसको हम आसानी के साथ सिखा सकते हैं। इसी तरह से बच्चों को टेबल के साथ साथ अगर डांस सिखाना है, बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज सिखाना है तो भी ये कानून या फिर ये थ्योरी बहुत यूजफुल हो सकती है। इसी तरह से हम बच्चों को जो भी क्या है मस्त करवाना है, जैसे कि हैंड राइटिंग करवाना है, और इसी तरह से घर का होमवर्क देते हुए बार बार बच्चे की क्या हैंड राइटिंग सुधारने के लिए हम इस थ्योरी की मदद से हम बच्चे को आसानी के साथ हैंड राइटिंग भी बच्चे को सिखा सकते हैं। इस तरह से दीगर जितने भी अवामिल हैं बच्चे को हम आसानी के साथ ट्रायल एंड एरर थ्योरी के जरिए से सिखा सकते हैं। अगर आम जिंदगी के अंदर देखा जाए तो हम बच्चे को साइकिल सिखाना हो, इसी तरह से कार सिखाना हो, बाइक सीखना हो, इसी तरह से तीरना सीखना हो, तो ये तमाम चीजें हम कानून मश्क या फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी की मदद से ही हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये इतनी इम्पोर्टेंट थ्योरी है या फिर इतने इम्पोर्टेंट लॉस हैं जो एजुकेशन के अंदर आज तक भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों ये लर्निंग थ्योरी क्या है और इसके पीछे क्या क्या मवाद छुपा हुआ है, या फिर ये लर्निंग थ्योरी के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और एक एक थ्योरी किससे ताल्लुक रखती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में तफसील के साथ पढ़ेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, जज़ाकअल्लाह।